एक बतख थी, उसका नाम था डाकुचिंग। फिर जी पीपू, पीपू और सीकू, सीकू तो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। और जो डाकुचिंग थी वो जो है उनको दाना लाके खिलाती थी। एक बार क्या होया, तालाब में एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ डाकू सिंह ने ये सोचा चलो अपना तालाब बदल लेते हैं। फिर डाकू सिंह ने क्वैक क्वैक करके बच्चों को जमा किया और वो बाहर आ गया। भैया जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही वो कुत्ता आ गया। और वो जो कुत्ता था वो सीकू को उठा के ले गया। फिर क्या हुआ, डाकू सिंह ने कैसे कैसे करके दूसरे तालाब में पहुंच गई। तो डाकू सिंह को तो बहुत रोना आया होगा कि कुत्ता उसके बच्चे को उठा ले गया, चीकू को। लेकिन उसने ये सोचा ले जो बचा है उसको तो बचा लूं। फिर वो दूसरे में गए तालाब में, दूसरे तालाब में खुशी खुशी लेने लगे दोनों, कौन कौन डाकू सिंह और पीकू। बहुत अच्छी कहानी थी, मजा आ गया। थैंक यू दादी। इसलिए हमें कभी अपनी लॉस पे रोना नहीं चाहिए, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो नुकसान हुआ है उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो बचा हुआ है, जो फायदा है, जो लाभ है, उस पर ध्यान देना चाहिए।